कहते हैं जल ही जीवन है, और जल जो है वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है। इस समय मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर पर, जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये एक जो स्टॉल है ये लगाया गया है। दरअसल में इस स्टॉल में दिखाया गया है कि जीवन में जल जो है वो कितना ज़रूरी है, और उसके लिए क्या एलिमेंट होने चाहिए, और किस तरीके से हम बाहर जो लोग हैं उनको एक अच्छा शुद्ध और जो मानकों पे खरा उतरता हुआ एक जो जल है वो हम लोगों को कैसे उपलब्ध करा पाएँ। क्योंकि इसके लिए इनॉग्रेशन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2019 को एक अनाउंस किया था कि देश के हर कोने में हम जो है जल पहुंचाएंगे, और जिन इलाकों में जो ये पानी नहीं पहुंच रहा है उन इलाकों के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, तो उसी का एक जो मॉडल है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। ये लोग हैं जो यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से जो जल है वो शुद्ध जल हम जो है लोगों के लिए दे रहे हैं। इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सरकारी राशन की दुकान है, कि एक गाँव जो है कैसा दिखता है, गाँव की जो बेसिक एलिमेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और सरकार जो है कैसे इस पे काम कर रही है। ये गांव राशन की दुकान है, साथ ही ये गौशाला एक यहाँ पे बनाई गई है, कि क्योंकि जो पशु हैं उनके लिए भी कितना महत्वपूर्ण है, जो जल है उनके लिए भी बहुत जीवनदायी है, उनको एक शुद्ध जल कैसे मिले, क्योंकि जिस तरीके से जो जल है वो बीमारियाँ जो जिस तरीके के जैसे संचयी रोग या और तमाम जो दूसरे प्रकार की बीमारियाँ होती हैं उनमें ज़्यादातर जो भूमिका पाई जाती थी वो जल की पाई जाती है। ये किचन है, किचन के अंदर जल यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। इसी मिशन के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है, पहला ऐसा राज्य है कि जो सबसे ज़्यादा इस योजना को लोगों में प्रभावी तौर पर इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं वो इस योजना का जो लाभ है वो उठा रहे हैं, क्योंकि करीब 1,60,00,000 अब तक जो लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। जो सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर यानी कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो शुद्ध जल से कैसे की जाए, ये भी दर्शाने का काम जो है वो यहाँ पर इस शक्ति जल शक्ति मिशन के तहत इस मॉडल के थ्रू दर्शाया गया है कि कैसे लोगों के जीवन पर जो शुद्ध जल है वो प्रभाव डालता है। अगर इस आंकड़े की बात करी जाए तो 1,60,00,000 के आसपास जो इस उत्तर प्रदेश सरकार में अभी तक इस जो लाभ लोग उठा चुके हैं, यानी कि एवरेजन करीब 40,000 पर डे के आसपास जो है लोग जो है इसका वो कर रहे हैं, कि जैसे व्यायामशाला इसमें दर्शाई गई है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है उसको भी दर्शाया गया है, कि कैसे जो जल हम लोग जो इस्तेमाल के बाद में जो पानी बच जाता है उसको उसका कैसे इस्तेमाल करें। यहाँ पर ये सॉक पिट लगाए गए हैं, और ये इससे जो बचने वाला जल है वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए जो है ये कैसे इसको फिर वापस रिसाइकिल के लिए भेजा जाए। और साथ ही जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्राथमिक पाठशाला है, क्योंकि ये भी गांव में हर गांव में मिलती है, तो एक जो मॉडल के तौर पर जो ये एक गांव जो पूरा दिखाया गया है कि इस गांव में कैसे जल की जो आवश्यकता है वो बनी रहती है, और उसको लेकर के लोगों में कैसे जागरूकता फैलाई जाए और कैसे लोगों को इस योजना का लाभ जो है वो दिया जाए। क्योंकि ये टंकी देख रहे हैं आप, ये भी एक मॉडल के तौर पे इस्तेमाल की गई है, क्योंकि ये टंकी जो है यहाँ पर लगाई गई है, और टंकी के जरिए जो गांव की हर घर जो जल पहुँचाने की योजना है उसमें काफ़ी ये कारगर जो है वो साबित हो रही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिस्टम बनाया गया है मॉडल, ये पूरा सोलर पर है। इस पर बातचीत करने के लिए ब्रजराज सिंह यादव जो अधिशासी निदेशक हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, इनसे बात करते हैं। सर, ये आपका जो कहाँ तक पहुँची है योजना? ये पहले तो आपको धन्यवाद और सभी को धन्यवाद, और ये हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार और हमारे उच्च अधिकारियों के प्रयास से हम लोग इस समय पूरे प्रदेश में एक मिशन के तहत कार्य हो रहा है, जिसमें हम लोग लगभग 62% से ऊपर जो है हर घर जल को कनेक्शन दे चुके हैं। हमारी ये प्रयास है कि प्रदेश के प्रत्येक घर में
विशुद्ध जल पहुँचे और एक उसके प्रति लोगों में जागरूकता भी हो कि हम शुद्ध जल पिए, जल की जो है संचयन करें जिससे उसकी बर्बादी ना हो, उसके प्रति जागरूक हों जो है। और इसके लिए जो है हम लोग यहाँ तक हमारी प्लानिंग है कि जो भी स्कूल आंगनबाड़ी हैं सब में कहीं भी जो है कोई छूट न पाए, सभी जगह हमारे हर घर जल के तहत जो है हम पानी की सप्लाई दें जो है। सर, बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पूरी हिंदुस्तान का ऐसा पहला राज्य बन गया जहां पर ये योजना जो है बहुत तेज़ी से प्रभावी हो रही है। जी जी जी, आज के डेट में जो है हमारा प्रदेश जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो है कनेक्शन देने वाला प्रदेश बन गया है। और हम लोग पूरी हमारी टीम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रमुख सचिव साहब, सबके निर्देशन में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस टारगेट को हम लोग और जल्दी अचीव करें और हर व्यक्ति तक जो है इस सुविधा को जो है पहुंचा सके जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से सर जो पहले बीमारियां होती थी लोगों को, क्योंकि जल में डॉक्टर कभी भी, जैसे वाटर वॉल्व डिजीज होती हैं तो ये सबसे ज़्यादा पानी से होती हैं कि नल हिल रहा है, क्योंकि नल के जरिए जो चौकी होती थी उसके रास्ते बहुत सारे बैक्टीरिया विषाणु बहुत अंदर चले जाते थे। तो इससे तो सर जो लोगों की हेल्थ है उस पर भी फर्क पड़ेगा, मेंटल लेवल जो है वो लोगों को काफ़ी सेटिस्फेक्शन। देखिए, जो गांव में जो लोग रहे हैं, जो लोग जानते हैं गांव की ये स्थिति थी, आप उत्तर प्रदेश जो है कि कई प्रकार के भौगोलिक स्थितियों से जो है घिरा है, जिसमें आप बुंदेलखंड में देख लीजिए बहुत पहले किलोमीटर दो दो तीन तीन किलोमीटर दूर से जो है तालाबों से पानी लाना पड़ता था। उनकी जिंदगी, आम दिनचर्या जो कितनी दुर्लभ थी जो है, कितनी कठिन थी जो है, आज वहाँ के लोग जो है विशुद्ध रूप से और बिल्कुल जैसे आप आरओ का पानी पीते हैं उस तरह का पानी उनको दिया जा रहा है। तो निःसंदेह जब हम खाने से ज़्यादा पानी का प्रभाव जो है स्वास्थ्य पर पड़ता है, जब हम ऐसा जल पाएंगे, इसी तरह से जब हमारे बहुत से ज़िले ऐसे थे कि जहाँ पर जो है फ्लोराइड आर्सेनिक आदि जो है जल होते थे, अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो शरीर के लिए हानिकारक होते थे, तो वो अब वो सब चीज़ें से हम दूर होंगे तो हमारे स्वास्थ्य वर्धन में जो है ये लाभ मिलेगा जो है।